नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी के लाइव इंटरैक्टिव सेशन में। मैं हूं सिमरन सिंह और आप सभी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं ई विद्या के चैनल नंबर 6, 9 और 12 के जरिए। इसके अलावा तमाम जरिए हैं जिनके माध्यम से आप हमारे साथ संपर्क साध सकते हैं। एज यू ऑल नो दैट वी हैव आर यूट्यूब चैनल दैट्स एनसीईआरटी ऑफिशियल, एंड इन द कॉमेंट सेक्शन ऑफ एनसीईआरटी ऑफिशियल यू मे पोस्ट योर क्वेश्चंस, योर क्वेरीज एंड योर फीडबैक रिगार्डिंग द डिफरेंट सेशंस दैट वी कंडक्ट थ्रू आउट द डे। वंस अगेन अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर व्यूअर्स इन आवर स्पेशल सेगमेंट दैट इज आवर प्रोग्राम ऑन स्कूल लीडरशिप एंड डेवलपमेंट, यानी विद्यालय नेतृत्व एवं विकास के ऊपर हम अपना ये सत्र लेकर आते हैं। यहाँ पर हम आपका परिचय कराते हैं बहुत से स्कूल प्रमुख यानी स्कूल हेड से, जो अपने सफ़र के बारे में हमें जानकारी देते हैं जिससे हम प्रेरणा ले सकते हैं जीवन में भी आगे बढ़ने की एंड हाउ टू लीड अ सक्सेसफुल स्कूल। एंड ऑल्सो व्यूअर्स, लेट मी इन्फॉर्म यू एज इट इज़ आर स्पेशल सेशन, सो ऑल ऑफ यू हु हैव कनेक्टेड विद अस, इन केस इफ यू वुड लाइक टू कनेक्ट विद अस वाय योर क्वेश्चंस, सो हियर इज़ आर कॉन्टैक्ट नंबर दैट इज़ फ्लैशिंग ऑन योर स्क्रीन्स। आप हमारे साथ संपर्क साध सकते हैं इस कॉन्टैक्ट नंबर के जरिए 8800440559। देयर आर फ्यू मेल आई डीज एज वेल थ्रू विच यू कैन रीच आउट टू अस, and the first one is there on your screen, it is dth.class12@ciet.nic.in। so let me apprise you the topic that we are going to discuss today। aaj hum baat karne wale hain leading transformation as a 1 month PSLM certified school leader of NCSL, that is National Center for School Leadership। aur hamare sath hamare mehman bhi charcha mein maujood hain, unse bhi aapka parichay zarur karayenge। So introducing you to the guest for the program, we have with us in the studio Dr. Pooja Singhal, Assistant Professor from NCSL NEPA। Namaskar ma'am। Namaskar। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और इसी के साथ ऑनलाइन माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं श्री दीपक कुमार जी, प्रिंसिपल एट गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल फ्रॉम सारून जयपुर राजस्थान। नमस्कार सर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। थैंक यू। और दर्शकों, आप वो तमाम माध्यम जानते ही हैं जिनके जरिए आप हमारे साथ संपर्क साध सकते हैं, सो विदाउट फर्दर डू लेट्स बिगिन द कॉन्वर्सेशन, ट्राई एंड अंडरस्टैंड मोर अबाउट दिस एस्पेक्ट। तो मैम, हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ हमारे एक स्कूल हेड जुड़े हैं, तो आज क्या रहने वाला है चर्चा में, क्या खास है हमारे सभी दर्शकों के लिए? जैसे कि सिमरन, आप जानते हैं कि NCSL हमेशा से ही स्कूल लीडर के लिए कार्य करता रहा है और बहुत से वर्कशॉप, वेबिनार, सेमिनार्स और जो डिफरेंट मीडियम है उसके माध्यम से उनकी कैपेसिटी को बिल्ड करता रहा है। और साथ ही साथ पैरेलली NCSL जो है वेरियस कोर्सेज भी रन करता है। उनमें से एक कोर्स है 1 month सर्टिफिकेट ऑन स्कूल लीडरशिप, स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। तो उन्हीं के ही उसी प्रोग्राम के पार्टिसिपेंट आज हमारे साथ हैं मिस्टर दीपक कुमार जी, जो कि जयपुर से हैं, और उन्हीं से ही आज हम चर्चा करेंगे, उनके स्कूल के बारे में जानेंगे और इस पर्टिकुलर प्रोग्राम से उन्होंने क्या क्या चीज़ें सीखी हैं, क्या क्या चीज़ें अपने विद्यालय में इम्प्लीमेंट करी हैं और किस तरीके से अपने स्टूडेंट्स की जो कैपेसिटीज़ है उसको बिल्ड किया है और उसको एनहेंस किया है, यही सब आज चर्चा में रहेगा। बिल्कुल। तो अभी आपने संक्षिप्त रूप से ये समझ लिया कि आज चर्चा में हम किस विषय पर बातचीत करने वाले हैं, और अब समय है हमारे मेहमान से आपका परिचय कराने का। दीपक जी, आपका स्कूल कहाँ पर स्थित है, किस तरह की भौगोलिक स्थिति है, अपने स्कूल का थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट और बैकग्राउंड हमारे दर्शकों को आप समझाइए। मेरा स्कूल राजस्थान में जयपुर से लगभग 110 किलोमीटर दूर है, रूरल एरिया है, ब्लॉक कोटपुतली, एक रूरल एरिया है, एग्रीकल्चर बेस्ड एरिया है और वहाँ डेरीज का भी काम है और ज्यादातर वहाँ की जो पॉपुलेशन है बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, लेबर क्लास, सम ड्राइवर्स और इस तरह के जो मीडियम टू लोअर कैटेगरीज के वहाँ ज्यादा पीपल्स हैं और फर्स्ट टाइम लर्नर्स भी वहाँ काफी हैं। ये मेरे स्कूल की लोकेशन है, एक रूरल एरिया का स्कूल है जहाँ रिसोर्सेज एक लिमिटेड रिसोर्सेज है इनकम के भी और जॉब अपॉर्चुनिटीज भी वहाँ इतनी नहीं है और वहाँ की जो लिटरेसी रेट है वो भी बिलो 50% है। लेडीज में अभी वहाँ इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, कंपैरेटिव जेंट्स आर मोर अवेयर और वहाँ जो जनरल सोशल जो बैरियर्स हैं, सोशल जो कस्टम्स हैं और जो चाइल्ड डेवलपमेंट, प्रोफेशनल डेवलपमेंट चाइल्ड के फ्यूचर के लिए, उन चीजों के अगेंस्ट सभी कस्टम्स वहाँ कुछ ना कुछ हैं और रिसोर्सेस काफी लिमिटेड है। तो ये मेरे स्कूल का एक क्राइटेरिया, स्कूल में
एट प्रेजेंट हमारे 248 स्टूडेंट्स लर्न कर रहे हैं। एलिमेंट्री सेक्शंस के स्टूडेंट्स थोड़े कम हैं वहाँ, और सेकेंडरी सेक्शंस में स्टूडेंट्स काफ़ी रहते हैं। 248 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, और मेरे स्कूल में 17 का स्टाफ है, जिसमें से क्लरिकल स्टाफ 3 है, बाकी सारे टीचिंग स्टाफ हैं। और उसके अलावा हमारे स्कूल का जो कैंपस है बहुत छोटा कैंपस है। आई थिंक इफ आई टेल इन ए मेजरमेंट 100 फीट × 156 फीट का वो एरिया है, वहाँ छोटे छोटे रूम्स बने हुए हैं, और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन अवेलेबल है स्कूल में, रनिंग वाटर अवेलेबल है स्कूल में, और स्कूल का जो आप ये देख पा रहे हैं स्क्रीन में कोविड स्कूल है ये, और स्कूल के अंदर जो 12 क्लासरूम्स है, एक कोई क्लासरूम छोटा है कोई बड़ा है, एक जनरल स्कूल है जैसा कि होना चाहिए लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ। हाँ जी दीपक जी, जैसे कि अभी आपने, हाँ जी, कैरेक्टरिस्टिक्स अपने स्कूल के विद्यालय के बारे में फीचर्स बताए हैं, साथ ही साथ हम ये भी जानना चाहते हैं कि जिस समय पे आपने विद्यालय को ज्वाइन किया था उस समय में विद्यालय के क्या हालात थे, किस तरीके की चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा, और क्या क्या चीज़ें और क्या क्या किस तरीके से आपने उसको ओवरकम किया है, वो सब कुछ जानना चाहते हैं। पहले चैलेंजेस के बारे में हमें बताएं। चैलेंजेस बताओ, मैं चुनौतियों के तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि एनसीएसएल से इतना सीख लिया कि चुनौतियां तो कभी थी नहीं, सामने आती ही नहीं कोई। चैलेंजेस मेरे बेसिकली रहे कि मेरे स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप काफी थे, स्टूडेंट्स के लिए सिंगल फर्नीचर अवेलेबल नहीं था इस विंटर में, और इस सीजन में भी स्टूडेंट्स नीचे बैठते थे, और हाइजेनिक क्लीनलीनेस के काफी इश्यूज थे, क्योंकि एक वो अवेयरनेस नहीं थी स्टूडेंट्स में, और डिसिप्लिन का एक इश्यूज था, क्योंकि रिवल वो जो बैकग्राउंड ऐसा था कि वहाँ जो बॉयज थे गर्ल्स थे, और मेरा स्कूल का मेन क्या बस स्टैंड के ऊपर लोकेटेड स्कूल है, तो रिसेस के बाद में पूरा एक हैफेजेड मैनर्स में वहाँ रश हो जाता था, तो और मोटिवेशन स्टाफ और स्टूडेंट्स में नहीं था, स्टाफ का जो एकेडमिक ठीक था भी तो एक मैनेजरियल अप्रोच थी, स्टाफ को उन चीजों को समझ मतलब उन चीजों के लिए बेटरमेंट के लिए वो नहीं सोचते थे, सिर्फ ठीक है आए क्लास लिया अच्छी तरह पढ़ाया चले गए। तो उनको स्कूल में जैसे टॉयलेट्स के लिए रनिंग वाटर नहीं था, बिल्डिंग का अप्रोप्रिएट यूज नहीं हो रहा था, इतने छोटे कैंपस में भी 3 या 4 रूम ऐसे जो अनयूज थे, जो स्कूल का बाहर से लुक था बिल्कुल डर्टी लुक हो चुका था, उसकी कोई कलरिंग नहीं थी, मतलब देखने के स्कूल में एंटर करते ही एक ऐसी नेगेटिविटी आती थी कि हर जगह इलेक्ट्रिसिटी थी पर रूम्स में लाइट नहीं थी, अंधेरा रहता था, सफोकेशन इशूज, लाइट का बैकअप वहाँ कोई नहीं था, और ये सारी बेसिकली क्या स्टाफ स्टूडेंट्स कम्युनिटी वो सभी चीज़ों के इतने यूज्ड टू हो चुके थे कि उन्हें ये फील ही नहीं होता था कि ये हमारे स्कूल के इश्यूज हैं, वो उस चीज़ के साथ उनको रहना आ गया था। वो चीज़ें मैंने जो ज्वाइन करते ही वहाँ नोट किया, फंड का प्रॉपर यूज कैसे किया जाए, उनको ये अवेयरनेस नहीं थी कि रूल्स क्या है, फाइनेंशियल रूल्स क्या है, फंड कैसे यूज किया जा सकता है, कम्युनिटी के अंदर कोई ऐसा इन्वॉल्व, कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम था, तो ये कुछ चैलेंजेस थे, पर ये चैलेंजेस मेरे लिए एक नोट करने वाली चीज थी, इनके मुझे इतने बड़े इश्यूज नहीं आए, मुझे वो नहीं लगा कि इनके लिए मुझे कुछ बड़ा करना पड़ेगा, यानी इन चीज़ों को मैंने नोट किया भी स्कूल में ये इश्यू है। राइट, तो जैसे कि आपने बताया कि जो विद्यालय में स्ट्रक्चरल और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड काफ़ी इश्यूज आपने देखे, उनको नोट डाउन किया, और साथ ही साथ जहां मोटिवेशन की कमी नज़र आई स्टूडेंट्स में और स्टाफ में, तो उसको भी आपने नोट डाउन किया, तो इन सब चीज़ों को, इन सब चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए आपने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए? मैम, इनको ओवरकम करने के लिए मैंने 2 लेवल पे जो इनिशिएट की चीज़ें, सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया कि स्टाफ के साथ और स्टूडेंट्स के साथ एक बॉन्डिंग कैसे मैं एस्टेब्लिश करूं, पर्सनल बॉन्डिंग, जिससे कल को मैं कोई भी चीज़ इनिशिएट करूं या डायरेक्शन दूं या कोई चीज़ के लिए हम लोग इनोवेटिव चीज़ के लिए स्टार्ट हों तो वो मेरी टीम बन पाए। सेकेंड थिंग जो बेसिक, जब मैंने गाँव में घूम के चारों तरफ घूम के पता किया तो मेरे स्कूल का बड़ा इशू था इनडिसिप्लिन, तो बड़ा छोटा सा एक मैंने एक्सपेरिमेंट किया, हम सब सबको बैठ के जब वो मेरे से थोड़ा अटैच हो गए तो डिसाइड किया कि अब से हम क्या करेंगे, स्कूल के इंटर होने के बाद हमारा मेन गेट बंद हो जाएगा, उसके बाद जब स्कूल का पूरा पूरी स्कूल की टाइमिंग कंप्लीट हो जाएगी तभी हम बाहर निकलेंगे, और स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया कि आप लंच लेके आओ। तो जब हमने ये स्टेप लिया तो विद इन 2 या 3 डेज पूरे गांव में एक मैसेज चला गया
कि दिस इज वेरी डिसिप्लिन्ड स्कूल, स्टूडेंट्स आर वेरी डिसिप्लिन्ड। स्कूल की बेल लगने के बाद में किसी को पता ही नहीं चलता कि स्कूल के अंदर स्टूडेंट है या नहीं। उस एक स्टेप से तो ये हुआ कि कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट अपने आप आ गया, कम्युनिटी में उसे जुड़ना शुरू हो गई। वो गेट दरवाजा बाहर से देखते भी स्कूल में इतनी साइलेंस कैसी है, टीचर्स जाने लगे। दूसरी बात, स्टाफ के साथ इनफॉर्मल मीटिंग शुरू की, 1-to-1 स्टाफ के, जो मैंने उनके बारे में जितने भी मेरे पोर्टल से जानकारी मिली, मैंने उसके बारे में उनके पर्सनल और चीजें डिस्कस करना शुरू की, उनके इश्यूज भी, आपके यहाँ प्रॉब्लम क्या है, टॉयलेट्स में क्या प्रॉब्लम आ रही है, आपको क्लास में जाने में क्या प्रॉब्लम है, सफोकेशन क्लास में हो रहा था उसके लिए हम क्या करें। तो इस तरह से पर्सनल जो अटैचमेंट हुआ, तो उसके बाद हमने हमारे गोल सेट किए। एक जब टीम बन गई तो हमने प्रायोरिटाइज किया, जैसे पहला प्रायोरिटाइजेशन था हमारा कि हमारा डिसिप्लिन मेंटेन हो जाए, जैसे कम्युनिटी में एक मैसेज चला जाए, स्टूडेंट से मैसेज चला जाए, टीचर से मैसेज चला जाए कि वी आर ए गुड स्कूल, यहाँ डिसिप्लिन भी है। तो ये पहला हमने इनिशिएट किया। तो और उसके बाद में जब देखा, एक मैम ये था कि जब देखा कि फंड्स हमारे पास अलग अलग हेड्स में अवेलेबल थे, तो हमने स्टाफ को ट्रेन किया कि हाउ टू यूज फंड्स, फाइनेंशियल नॉर्म्स क्या होते हैं, उनको हम कैसे कर सकते हैं, व्हाट इज द टेंडरिंग प्रोसेस, उनसे हम क्या चीजें कर सकते हैं। तो ये उनको सिखा के फर्स्ट स्टेप था कि हमने ऑर्डर दिया फर्नीचर, जो हमारी फाइनेंशियल नॉर्म्स के अंदर जितने फर्नीचर ले सकते थे, हमने जैसे ही हुआ सातवें दिन हमने ऑर्डर दे दिया कि इतने फर्नीचर बनवा दिए जाए, ये हम प्रिंसिपल के ज्यूरिडिक्शन में है, इतना फंड मैं यूज करके हम इनिशिएट करते। तो मुझे 300 फर्नीचर की जरूरत थी, बट वी स्टार्टेड विद ओनली 45 फर्नीचर, क्योंकि वो उतना मेरे रिडिक्शन में था। पर 45 फर्नीचर भी जब स्कूल में आया तो एक बूस्ट मिला और एक नीड जनरेट, मतलब स्टूडेंट्स और टीचर को बेसिकली मैंने ये एक नीड जनरेट करना सिखाया कि आप डिमांड कीजिए कि हमें ये चीज चाहिए स्कूल के अंदर, एक बेटर स्कूल में ये होना चाहिए। तो वो चल के मेरे पास आने लगे, सर हम ये भी कर सकते हैं क्या, सर हमारे यहाँ ऐसा भी हो सकता है क्या, सर हम हमारे यहाँ टाइल्स लग सकती है प्रेयर ग्राउंड में क्या, सर हमारे टॉयलेट में रनिंग वाटर हो सकता है। तो मेरी तरफ से स्टैंडर्ड यस था हर चीज के लिए, मैंने कहा गो अहेड, आप स्टार्ट कीजिए, बाकी इश्यूज मैं टैकल कर। अब जैसा आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कि हमने किस तरह से शिफ्ट किया। जी मैम, वाकई तो इस पिक्चर में भी हम देख पा रहे हैं कि काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो आपके विद्यालय में नज़र आ रहा है, और इसके लिए जो कनेक्ट आपको बिठाना था स्टूडेंट्स के साथ, स्टाफ के साथ, वो आपने पहल करी, उसके लिए वाकई सराहनीय कार्य किया है और एक्सपेरिमेंटल अप्रोच रही है आपकी। तो इसी से ही संबंधित जो डिफरेंट कोर स्ट्रैटेजीज जो आपने फॉलो करी हैं उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। वो स्ट्रेटेजी में मैं तीन तरह से काम स्टार्ट किया। वेरी फर्स्ट जो हमारा था कि मैं एक टीम बिल्ड हो जाए स्टाफ और स्टूडेंट्स की मेरे साथ, और टीम बिल्ड करके हम लोग फंड कलेक्शन और जो रिसोर्सेज मिनिमम रिसोर्सेज हैं उसके मैनेजमेंट को सीखे हमारे, और मैंने मेरे पूरे पावर डेलीगेट किए। फाइनल डिसीजन के लिए भी एक प्रोक्योरमेंट कमेटी बना दी स्टाफ के 3 मेंबर्स की। एज ए प्रिंसिपल मेरा डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट डिसीजन में, फंड यूजर्स में, फंड बाकी किसी चीज में मैंने ना रखे, जो एक कमेटीज बना दी। ये कमेटीज प्रोक्योरमेंट का काम करेगी, ये कमेटीज फाइनेंशियल रूल्स देखेगी, ये कमेटी डिसाइड करेगी कि प्रायोरिटीज में क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए, और ये कमेटी डिसाइड करेगी कि कौन से हेड से हम फंड उठाएं। वो सारी कमेटी मेरे से डिस्कस करती है, हम लोग एक प्रायोरिटाइज करके लिस्ट डाउनलाइन करते हैं, प्रिंसिपल सिर्फ फाइनल साइनिंग अथॉरिटी और डिसीजन मेकर। तो इस तरह से हमने सबने मिलकर एक गोल सेट किया। सेकेंड फिर हमने प्रायोरिटाइज किया कि रिनोवेशन करने के लिए कहां से स्टार्ट करें, पहला क्या चीज चाहिए। जैसे आप इसमें देख रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ किचन गार्डन, ये बड़ा सिंपल हमने इसलिए किया क्योंकि जिन जिन दीवारों के पास गंदगी रहती थी उन सब गंदगी की जगह पे हमने फ्लावर बेड बना दिए, और इको क्लब के एक एक क्लब को वो फ्लावर बेड दे दी, और वहां हमने क्या किया, छोटे छोटे जो पौधे होते हैं वो लगा दिए, और जिससे कि वो एक तो इको क्लब की एक्टिविटी स्टार्ट हो गई, और जहां जहां ऐसी चीज थी कि यहाँ गंदगी इकट्ठा हो सकती है वहां हमने फ्लावर बेड्स बना के उसको कर दिया। मेरे स्कूल के बाहर पार्किंग का इशू था, वहां फेंसिंग करके बड़े बड़े पेड़ लगा दिए और गार्डनिंग कर दी। तो ये छोटे छोटे। सेकेंड हमने जो किया डिजिटाइजेशन ऑफ स्कूल। मेरे स्कूल में जो सबसे बड़ा इशूज था कि कंप्यूटर लैब पूरी अनफंक्शनल, तो हमने बोर्ड क्लासेस के अंदर तो डोनर से लेकर इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल्स लगा दिए, और उन पैनल्स को लगाने के साथ जो स्टूडेंट्स थे उनको हमने
पूरा कैपेबल कर दिया कि हाउ टू यूज डिजिटल पैनल, हाउ टू यूज रन द वीडियो लेसन्स, एनसीईआरटी विद्या प्रोग्राम कैसे चलाया जाए, एनसीईआरटी के ओपन रिसोर्सेज जो है उनसे कैसे किया जाए। तो जैसे ही टीचर लेट होते हैं, स्टूडेंट्स अपने आप उसको ऑन करके और मॉनिटर बैठ जाता है और बच्चे उसे पढ़ना शुरू कर देते हैं। और हमने पूरे हर क्लास हर दो क्लासरूम पे एक इन्वर्टर लगा दिया, 100 Mbps के लैन केबल का कनेक्शन सभी डिजिटल बोर्ड्स प्रोजेक्टर से कर दिया। तो ये चीजें हमारे पास हेल्पिंग हैंड हो गए। और सुओ मोटो हमें टीचर्स एबसेंट है तो भी हमारे कोई इश्यूज नहीं होता था, टीचर्स का अरेंजमेंट पीरियड कहीं दूसरी जगह कोई इशू नहीं है क्योंकि लैन केबल से है, हर जगह डिजिटाइज है। और प्राइमरी क्लासेस के लिए हमने केयान वहां पे एस्टेब्लिश कर दिया जिससे इंटरेक्टिविटी के साथ पूरा कंटेंट वहीं पे अवेलेबल हो गया। राइट, तो रूरल एरिया में इन सब रिसोर्सेज को मैनेज करना अपने आप में बहुत ही बड़ा कार्य है। और इन सभी का जो बेस माना जाए तो एक स्ट्रॉन्ग टीम जो है, टीम को बिल्ड करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर हम टीम बिल्डिंग की बात करते हैं तो एक लीडर में क्या क्या एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि एक स्ट्रॉन्ग टीम को बिल्ड कर पाए? मैम, लीडर में सबसे पहले तो लीडर के अंदर लीडर का सेल्फ डेवलपमेंट जरूरी है। लीडर खुद को एक डेवलप करे एक लीडर की तरह और किसी चीज में खुद डायरेक्ट इन्वॉल्व होने की कोशिश ना करे। और लीडर के अंदर दूसरा होना चाहिए मतलब पावर डेलीगेशन की उसके अंदर जरूर होना चाहिए नेचर उसका, कि वो अपने पावर डेलीगेट करे अपने जो स्टाफ है उसका। बेसिक पूरे स्कूल के लिए सबसे बेसिक है प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स। लीडर अगर अपने टीचर्स का प्रोफेशनल डेवलपमेंट अच्छी तरह से कर लेगा और उसका जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स का जो मेन कोर उसका एम रहे वो रहे कि एट द एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इज नेसेसरी। ये दो चीजें अगर एज ए लीडर स्कूल प्रिंसिपल मन में रखेगा और अपने ध्यान में रखेगा तो वो बड़ा इजिली सारा काम हो पाए। बिल्कुल सही बात है सर। तो जिस तरीके से आपने जो स्ट्रेटजीज फॉलो करी हैं तो क्या क्या फैसिलिटीज आप स्टूडेंट्स के लिए जुटा पाए हैं वो हमारे व्यूअर्स को बताएं। फैसिलिटीज जैसा कि जब मैंने ज्वाइन किया तो फर्नीचर जीरो था, आज हमारे स्कूल में 300 फर्नीचर्स हैं, हर स्टूडेंट्स के लिए फर्नीचर अवेलेबल है, सब स्टूडेंट्स फर्नीचर पर बैठते हैं। लाइब्रेरी जीरो थी, आज हमारा लाइब्रेरी और रीडिंग रूम इतना है कि आप देख पा रहे हैं स्टेट के पोर्टल पे हमारे लाइब्रेरी को शोकेस किया गया लाइब्रेरी डे पे जिस तरह से वहाँ काम होता है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स हमने क्योंकि रिसोर्सेस कम थे तो हमने वो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स खूब सारे खरीदे जो मिनिमम जगह के अंदर उनसे बच्चे खेल पाते। आज मेरे स्कूल में 100 Mbps का कनेक्टिविटी लैन है, वाईफाई कैंपस हो चुका है, पूरे स्कूल में 16 कैमरे हैं, मेरे प्रिंसिपल चैम्बर से मैं पूरी एक्टिविटी स्कूल की देख सकता हूँ। और हर रूम के अंदर हमने मोर देन 6 सीलिंग फैंस, एग्जॉस्ट फैंस, मोर देन 3 ट्यूबलाइट्स, ये सारी चीजें लगा दी जिससे स्टूडेंट्स बैठे तो सफोकेशन ना हो। और लेडीज टॉयलेट, जेंट्स टॉयलेट सब में रनिंग वाटर फैसिलिटी है। और स्टूडेंट क्लब, स्टूडेंट पुलिस क्लब, यूथ इको क्लब सारे हैं। और बोर्ड क्लासेस के लिए डिजिटल पैनल स्पेशली है। और बढ़िया चीज जो हमारे छोटे बच्चों के लिए हमने एक्टिविटी रूम डेवलप कर लिया, ABL रूम, और वो आप जैसा पिक्चर में देख पा रहे हैं मतलब क्लास में टीचर्स भी नहीं है तो स्टूडेंट्स इतने बिजी रहते हैं अपनी अपनी दीवार पकड़ के बैठ जाते हैं ऊपर देख के उस पर खेलते रहते हैं। और इतना मतलब प्यारा लगता है कि टीचर खुद भी जब भी मैं भी फ्री होता हूँ तो उनके बीच में चला जाता हूँ वहाँ, क्योंकि वहाँ ज्यादा मन लगता है उस रूम। हाँ जी दीपक जी, जैसे आपने बताया कि लाइब्रेरी डे के बारे में आपने बताया तो हम अपनी टीम से रिक्वेस्ट करते हैं कि लाइब्रेरी डे से संबंधित जो वीडियो है वो हमारे दर्शकों को दिखाएं।
वाकई में इस वीडियो में हम देख पाए कि किस तरीके से बच्चे जो हैं वो बहुत ही ध्यान लगा करके पुस्तकों को पढ़ रहे थे। तो दीपक जी, आप इसको थोड़ा विस्तार से बताएं कि किस तरीके से इसको, इस दिन को आप अपने विद्यालय में बनाते हैं और इसका क्या बेनिफिट बच्चों में आपको नज़र आ रहा है, कि क्या चेंजेस उनमें आए हैं? लाइब्रेरी लाइब्रेरी एक जनरली देखा जाता था, लाइब्रेरी स्कूल का एक ऐसा कॉर्नर हो गया था धीरे धीरे कि उधर ध्यान इतना नहीं जाता, हम लोग टीचिंग सब्जेक्ट्स की तरफ ही ज्यादा रहे। तो स्टेट गवर्नमेंट ने ये एक बड़ा इनिशिएट भी लिया था कि हम लोगों को लाइब्रेरी और लैब डे मनाना चाहिए। तो हमने उस लाइब्रेरी डे को एक फंक्शन के रूप में लिया और स्पेशली लाइब्रेरी डे जब मनाया, हमने एक ही रूम, हमारे पास एक ही रूम था, तो हमने उसके अंदर एक टेबल को ऐसे राउंड टेबल शेप में करवा के रखाए जहां बच्चे बैठ के पढ़ सके। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि लाइब्रेरी डे जब हमने मनाया और बच्चों ने जो बुक्स जो डेली पढ़ते थे, तो वो तो एक रूटीन था, वो बुक्स इशू कर देते थे, वो ले जाते थे, पढ़ के ले आते थे। पर उस डे को जब सेलिब्रेशन की तरह मनाया गया तो बच्चों में बड़ी क्यूरियोसिटी आई। और उसके बाद में जहाँ हमारे बच्चे 20 to 25 बच्चे बुक इशू करवाते थे, तो जस्ट वो चीजें डबल और उससे भी ज्यादा हो गई बुक इशूज करने के लिए। और कुछ ऐसे बुक्स थी जिन्हें कभी लेते नहीं थे, अब बच्चे उन बुक्स को भी लेने लगे। और एनसीएसएल को मैं थैंक्स कहूंगा कि एनसीएसएल के मोटिवेशन से अब हमने उस लाइब्रेरी डे से आगे बढ़ते हुए टीचर्स का भी एक ग्रुप बनाने का हमने इनिशिएट कर दिया कि हम लोग भी एक ग्रुप बना रहे हैं और हम लोग वीकली किसी एक बुक को वहां से इशू, सब बुक इशू करा रहे हैं और वीकली किसी एक बुक पे हम लोग भी डिस्कशन करेंगे और पेयर में बच्चों के साथ उसके कंटेंट पे डिस्कशन करेंगे। तो ये एक बड़ा अच्छा इंपैक्ट आया लाइब्रेरी डे का भी और एनसीएसएल की जो हमें गाइडेंस मिली, मोटिवेशन मिला उससे मिलके। तो हमारे यहाँ लाइब्रेरी एक सेलिब्रेशन के रूप में आ गया, तो कोर सब्जेक्ट के बराबर उसका इम्पोर्टेंस हो गया। बिल्कुल, वाकई में लाइब्रेरी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसोर्स है जिसको कि बच्चों के लिए बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल आप लोग कर रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे हम अपनी टीम से रिक्वेस्ट भी करेंगे कि सेल्फ डिफेंस से रिलेटेड जो वीडियो है वो हमारे दर्शकों को दिखाएं। इस वीडियो में हम देख पा रहे हैं कि बच्चे न केवल एकेडमिक्स बल्कि सेल्फ डिफेंस जो है वो भी सीख पा रहे हैं आपके विद्यालय में। तो किस तरीके से आप बच्चों को ये जो कला है वो सिखाते हैं और किस तरीके से इसके लिए आपने रिसोर्सेज मैनेज किए हैं? सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग के लिए, रिसोर्सेज के लिए जो हमारे टीचर्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट का भी अच्छा इनिशिएटिव था कि हमारे जो स्टेट एसआरजीज थे उनकी ट्रेनिंग पुलिस एकेडमी में हुई, तो पुलिस एकेडमी के साथ वो ट्रेंड हुए, उससे हमारे टीचर्स ट्रेंड हुए। तो मेरे स्कूल के 2 to 3 जो लेडी टीचर्स हैं उन लोगों ने सेल्फ डिफेंस की प्रॉपर ट्रेनिंग ली, उसके बाद में वो ट्रेनिंग हम लोग हमारे स्कूल में भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। और हमारे राजस्थान में जो स्कूल कॉम्प्लेक्स के जो स्कूल है मेरे अंडर, 6 स्कूल और हैं एलिमेंट्री प्राइमरी एंड मिडिल स्कूल, उनके स्टूडेंट्स को भी मिला के हम सब गर्ल्स को एक सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे रहे हैं। और उसके पैरेलल हम लोगों ने जो बिहेवियरल चेंज ये किया है कि हमारे स्कूल की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उनमें मोस्टली गर्ल्स उसको इनिशिएट करती है, गर्ल्स उनको लीड करती है, तो गर्ल्स में हेजिटेशन खत्म हो रही है। सेल्फ डिफेंस से थोड़ा सा अलग जरूर है पर ये सेल्फ डिफेंस का कोर बेसिक है, उनकी हेजिटेशन दूर हो रही है और वो किसी भी एक्टिविटी करने के लिए, चाहे क्लीनलीनेस की एक्टिविटी हो, चाहे फिजिकल एक्टिविटीज हो, चाहे प्रेयर को लीड करने की एक्टिविटीज हो, इवन एकेडमिक एक्टिविटीज, तो उनमें गर्ल्स को पूरा प्रमोट किया जाता है और गर्ल्स आर लीडिंग इन दीज एक्टिविटी। तो ये सेल्फ डिफेंस और ये दोनों मिलके हम लोग बहुत अच्छा इसका आउटपुट ले पा रहे हैं। लीडर्स ऑलवेज क्रिएट लीडर्स, तो वही हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आप जो अपने स्टूडेंट्स हैं उनको भी लीडर बना रहे हैं और ताकि वो हर चीज़ में वो लीड ले पा रहे हैं, उनमें इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि हर चीज़ में वो आगे हैं। और अब ऐसा नहीं है कि हर चीज़ के लिए आपको टीचर्स को अपॉइंट करना पड़े या उनको बुलाना पड़े, स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो डू द सेम थिंग, सो दिस इज़ रियली अप्रिशिएबल। एंड जैसा कि आपका जो विद्यालय है वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, तो निपुण से संबंधित भी आप एक्टिविटीज अपने विद्यालय में करवा रहे हैं, तो उसके बारे में हमें बताएं। निपुण से संबंधित एक्टिविटीज सबसे स्टार्टिंग जो हमने काम किया, पूरे एक रूम को पहले डेवलप कर दिया
जिसके अंदर हमने लैंग्वेज एंड न्यूमरेसी प्रोफिशिएंसी से संबंधित जो पूरे स्टोरी टेलिंग स्टाइल में, पिक्टोरियल स्टाइल में, पजल स्टाइल में, इस तरह के सारी चारों दीवारें हमने डेवलप कर दी, जिससे कि और उसके नीचे का जो ब्लैक बॉर्डर रखा कि बच्चे उसको देख के कुछ कर पाए। सेकेंड, वी डिजिटाइज द एबीएल रूम। हमने न्यूपोर्न के लिए डिजिटल इंपोर्टेंस ली और हमने एक तो सिंपल प्रोजेक्टर यूज किया कंप्यूटर लैब के साथ अटैच, लैपटॉप से अटैच करके, कि हम इंटरेक्टिव चीजें बच्चों को दिखा पाए। फिर केएन का यूज हमने उसके अंदर किया कि जो छोटे बच्चे हैं वो इंटरेक्टिव चीजें देख सकें। और सेकेंड थिंग, स्टोरी टेलिंग मेथड, हमारे जो सीनियर मैम है जो लेवल वन की हैं, इन बच्चों के साथ कहती हैं, वो वहीं ग्राउंड पे बैठ के इनको स्टोरी टेलिंग के हिसाब से चीजें बताती हैं, कहानियां सुनाती हैं। और उसके बाद में हमने काफी प्ले कार्ड्स अरेंज कर लिए हैं बच्चों के साथ, जैसा आप उस वीडियो में भी देखा था। तो बच्चे प्ले कार्ड उनको आपस में अटैच करते हैं, एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, फिर मैम आके उनको कहानियां बताती है। तो इससे न्यूमरेसी एंड प्लस जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है वो दोनों चीजें वो प्रॉपर सीख पा रहे हैं। और हमारा जो प्रेयर ग्राउंड है, प्रेयर ग्राउंड में जो हमने टाइल लगाई है, अब उसकी कलरिंग भी हम हिसाब से कर रहे हैं कि बच्चे अगर वहां खेलें तो वो बच्चे उसके साथ खेल खेल में भी उन चीजों के स्टेप वाइज पजल हर्डल्स वो उस तरह से उसके साथ साथ सीख सके। और गेमिफिकेशन हम उसमें हमने इंट्रोड्यूस किया है कि छोटे छोटे जो रूरल गेम्स थे, जैसे चेयर वाला हो गया, पकड़म पकड़ाई हो गया, उनको हमने हमारे जो एकेडमिक जो बुक्स हैं, जो लेसन्स हैं, जो उनके कोर कॉम्पिटेंसी, जो कॉम्प्रहेंसिव मिनिमम इनको सीखना है, उसके साथ अटैच करके हम इनको ये चीज़ें सिखा रहे हैं। वाकई ये जो स्ट्रेटजीज और पैडागॉजीज अपने अडॉप्ट करी है, जैसे कि आपने स्टोरी टेलिंग बताया है और इंटरैक्टिव जो मेथड आपने अडॉप्ट किया है, तो ये 3 से 9 वर्ष की जो आयु के जो बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ें हैं, ये स्ट्रेटजीज़ हैं। और इसी से संबंधित हम एक जो वीडियो है आपके विद्यालय का वो भी यहाँ देखते हैं। इस वीडियो के बारे में सर बताएं। ये हमने स्कूल कॉम्प्लेक्स के जो मेरे अंडर 4 या 5 स्कूल, जो 6 स्कूल हैं, उन स्कूलों को मेरे स्कूल के मिला के छोटे बच्चों को इनवाइट किया और वहां बच्चों ने बैठ के कार्डबोर्ड से, चार्ट से मास्क बनाए, टॉयज बनाए, क्ले से ABCD बनाए और बच्चों के वो सारा बना के फिर हमने एक हेल्दी छोटा सा कंपटीशन करवाया उनके साथ और गेम करवाया। उसके बाद में हमने उनके सिंपल दूसरा जलेबी दो, चम्मच दो, इस तरह के छोटे छोटे गेम कराए जिसे बच्चों को खूब इंटरेस्टिंग भी लगा और बच्चे उसमें इन्वॉल्व हुए, टीचर्स इन्वॉल्व हुए। और उसके साथ साथ इन बच्चों से हमने उसी में छोटे छोटे कंपटीशन, टेबल कैसे लिखा जाए, हाउ टू रीड टेबल, और बच्चों को एक दूसरे के जो स्टॉल पे जाके जिस बच्चे ने बनाया वो दूसरे ग्रुप के बच्चों को अपनी थ्योरी कंसेप्ट बताता था। छोटे छोटे बच्चे बताते, मैंने इसको इस एंगल से काटा, मैंने ऐसे ये ज्योमेट्री का शेप बनाया, ऐसे मैंने बॉल बना दी। तो ये पूरे दिन का एक पूरा एक गेम चला, एक किशोरी बाल मेला जिसको हम नाम देते हैं। उस गेम से क्या हुआ कि काफी चीजें वहां से लर्न करके गए और एंड ऑफ द डे भी वो कोई बिल्कुल थके हुए नहीं थे, मतलब वो देवर नो टायर्ड, वो मतलब अभी भी उनमें इतना ज्यादा जील थी सीखने की कि वो चाह रहे थे कि हम लोग यहाँ खेलते रहें और उनको पता नहीं चल रहा था कि वो क्या सीखते जा रहे हैं। बिल्कुल, खेल खेल में जो सीखना है वही सार्थक नजर आता है यहाँ पे। और बच्चों के साथ साथ आप जो है कम्युनिटी को किस तरीके से एंगेज करते हैं इस प्रोसेस में और किस तरीके से उसमें स्कूल डेवलपमेंट में फायदा हुआ है ये हमें बताएं। कम्युनिटी को एंगेज करने का दो बड़े अच्छे मुझे साधन मिले वहाँ। एक्चुअली मेरा स्कूल जिस विलेज में है वहाँ एक काफी रीजनल प्लेस है, सरूण माता मंदिर है काफी बड़ा। तो हम लोगों ने हमारे जो स्काउट के जो बच्चे हैं और पुलिस स्टूडेंट कैडेट्स के जो बच्चे हैं, हम सब उनको लेकर वहाँ गए और वहाँ जो एक जो लोकल मेला भरता है उस टाइम हमने वहाँ क्लीनलीनेस, हाइजीन, इस तरह की, और जो जितने भी वो पिलग्रिम्स आते हैं उनको वहाँ ऊपर लेके जाना, इस तरह की सारी उनकी हेल्प की। और
7 days पर हम लोग थोड़े मतलब एक घंटा 2 घंटा वहां जाते थे और उसने उनकी हेल्प की, जिससे हमारा कनेक्ट बन गया उस ट्रस्ट के साथ और पूरे गांव के जो लोगों के साथ एक कनेक्ट बन गया, इस स्कूल के पर्टिकुलर ये बच्चे, ये स्टाफ, ये आता है हमें हेल्प करता है और हमारी जो रीजनल चीजें हैं उसमें भी ये लोग प्रॉपर पार्टिसिपेट करते हैं। सेकंड, फिर हमने गांव के जो वोटर अवेयरनेस वाले प्रोग्राम थे उसमें हम पूरे गलियों में गए, हमारे बच्चे गए, उनको वहाँ स्किट्स करके दिखाए, उनको प्ले वहाँ करके दिखाए, उनसे बातें की। और थर्ड, हमने फिर जो गांव की जो जनरल थी, चाइल्ड मैरिज वाला है, टोबैको वाला है, एल्कोहल वाले जो इश्यूज हैं उन पे हम लोग गांव के बीच में गए, उनसे बातें की। वेरी फर्स्ट हमने उनसे कोई डिमांड नहीं की, हमने इन चीजों से उनके साथ कनेक्ट बनाते गए हम लोग। फिर ये कनेक्ट बना, फिर जब उन्होंने डिसिप्लिन वाला देखा तो उसके बाद गांव वाले एज जनरली स्कूल में आने लगे, ये हो क्या रहा है, कैसे आप लोग कर पा रहे हो। तो ये एक ऐसा हमारे मीडियम बन गया कि गांव से हम कनेक्ट हो गए। उसके बाद में गांव वालों से हमने डिस्कशन स्टार्ट किया, मैंने गांव वालों को अच्छे अच्छे स्कूलों के बारे में बताया भी, वहाँ जैसे बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स होते हैं वहाँ ये फैसिलिटी है, ये हम क्यों नहीं कर सकते। तो फॉर दैट फिर वो हमारे साथ पूरा शोल्डर टू शोल्डर हमारे साथ आ गए और हम लोग मिलकर ये चीजें कर पाए। बिल्कुल, लीडर वही है जो सबको साथ में लेके चलता है। तो सबको, आप सभी स्टेक होल्डर्स को अपने साथ में लेके चले हैं, चाहे वो टीचर है, चाहे कम्युनिटी है, स्टूडेंट है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ लीडर टू लीड एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनी इंस्टीट्यूट। और दीपक जी, अब मैं जानना चाहती हूँ, 1 month जो सर्टिफिकेट कोर्स आपने NCSL से अटेंड किया था, उसके आपको क्या फ़ायदे हुए हैं, क्या क्या चीज़ें आपने अपने विद्यालय में इम्प्लीमेंट करी हैं और किस तरीके से जो बच्चे हैं उनकी कॉम्पिटेंसीज में सुधार देख पाए हैं आप? मैं 1 month जो लीडरशिप NCSL से हमने किया, तो सबसे बड़ा बेनिफिट मिला कि सेल्फ डेवलपमेंट, जो मेरा खुद का सेल्फ डेवलपमेंट था, वो वहां से होगा। हम लोग समझ पाए मतलब व्हाट टू लर्न, हम लोग देख पाए कि स्कूल में हमें करना क्या है। वहां NCSL 1 month लीडरशिप कोर्स से ये पता चला कि एज ए प्रिंसिपल मेरा मेन रोल है कि बच्चों का जो स्टूडेंट्स का आउटकम, स्टूडेंट्स का लर्निंग आउटकम, वो जो मेरा मेन एम है उसके लिए मैं क्या करूँ। उसके बाद वहां से मैंने सीखा कि हाउ टू प्रोफेशनली डेवलप द टीचर्स, तो टीचर्स का प्रोफेशनल डेवलपमेंट करना सीखा वहां से, उसके कोर्स स्ट्रेटेजीज हमने सीखी। और उसी के लिए हमने ये सीखा, जैसे थ्योरी ऑफ कंसेंट एंड थ्योरी ऑफ इंटेंट, हमने ये सीखा कि रिसोर्सेज से कोई क्वालिटी का और रिसोर्सेज का कोई कनेक्ट नहीं है। किसी स्कूल की क्वालिटी डेवलपमेंट is not depend on the resources. It only depend on the vision of principal, zeal of principal and interest of principal. अगर आप कुछ साधना कर सकते हैं तो quality development school का अपने आप होता है। ये चीजें हमने वहां से सीखी। और overall जब ये सारी चीजें हम मिलके करते हैं तो हमने वहां से students का holistic development करना सीखा। क्योंकि अगर हम students का holistic development करने के aim के साथ चलेंगे और उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट के स्ट्रेटेजीज हम यूज करेंगे तो एक्चुअली पूरा स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन होगा और पूरा स्कूल इकोसिस्टम चेंज हो पाएगा। तो थैंक्स टू NCSL, थैंक्स टू नीपा कि हमें वो चीजें सिखाई जो हमारे पास एज ए प्रोफेशन अभी तक नहीं। और उसका ये बेटर रहा कि हम एक टीम बिल्ड कर पाए। टीम बिल्ड कैसे की जाए, स्ट्रेटेजीज को कैसे किया जाए, रिसोर्सेज मैनेजमेंट कैसे किया जाए, और रिसोर्सेज मैनेजमेंट के साथ साथ गोल्स का प्रायोरिटाइजेशन, मैं गोल्स तो डिसाइड कर लूं पर उनको प्रायोरिटाइज कैसे करना है वो भी हमने वहां से सीखा। और गोल वो हो जो मैं अचीव कर पाऊं एक लिमिटेड रिसोर्स के साथ, लिमिटेड टाइम के साथ, जिससे। और अल्टीमेटली मैम ये रहा कि अगर मेरी टीम डेवलप है, मेरे टीचर्स प्रोफेशनली डेवलप्ड हैं अच्छी तरह से, उनका पर्सनैलिटी प्रोफेशनली डेवलपमेंट हो चुका और मेरे स्टूडेंट्स का होलिस्टिक डेवलपमेंट है, देन नथिंग टू डू फ्रॉम माई साइड, मुझे कुछ नहीं करना है। I have to only watch, monitor, guide them. इतना सा ही काम करना है। मेरा स्कूल स्वो मोटो चलेगा और हर नई क्वालिटी अचीवमेंट्स को लेता जाएगा। बिल्कुल सर, आपने बखूबी बहुत सी जानकारियाँ यहाँ पर हमारे साथ साझा की और हमने ये भी समझा कि कैसे आपने सुनिश्चित करवाया कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो।
और जब हम लीडरशिप की बात करते हैं तो अक्सर लीडरशिप का एक गुण होता है कि आप अकेले नहीं काम कर पाते उस तरह का, लेकिन आपको सबको साथ में लेके चलना होता है। उसका भी उदाहरण आपने हमारे समक्ष यहाँ पर प्रस्तुत किया। एक अंतिम सवाल आपसे सर पूछना चाहेंगे, अभिभावकों को कैसे आपने एंगेज करने की कोशिश की और किस तरह की प्रतिक्रियाएं रहीं? जैसा कि आपने बताया कि जब आप शुरुआत में आपने ज्वाइन किया तो स्कूल की परिस्थितियां कुछ अलग थी, और उसके बाद इतना डेवलपमेंट के बाद कैसे पेरेंट्स ने कैसे उस पर रिएक्ट किया, उसके बारे में थोड़ा सा हमें और बताएं। मैं जब ज्वाइन करके पहली बार गया तब तो सुनने को मिला अभी जो एक जनरल होती है, बैठे रहते हैं बच्चे, बाहर रहते हैं, इनडिसिप्लिन है। और 5-7 दिन के बाद मैंने खुद ने नोटिस किया कि जब मैं स्कूल में नहीं होता था छुप के देखते जाते भी चीजें हो क्या रही है। मैं किसी मीटिंग में जाता तो पीछे से आके देखते पूछते भी ये क्या हो क्या गया, इतना इतना चेंज क्यों हो रहा है। और अब ये आ रहा है कि जिनको मैं नहीं जानता उनसे पेरेंट्स के फोन आते हैं, मतलब वो पहले तो थैंक्स बोलते हैं और बड़े इमोशनली अटैच होते हैं कि ये हो गया कितना अच्छा हो गया, और उसके बाद में वो कहते हैं कुछ भी हो जाए आपके यहाँ से ट्रांसफर हम होने ही नहीं देंगे, जब इतना रूरल है। और मुझे अच्छा लगता है ये सुन के कि उन्हें अब ये नीड है। वो बेसिकली पेरेंट्स अब समझने लग गए कि स्टूडेंट्स को एकेडमिक के साथ साथ फिजिकली एटमोसफियर कैसा चाहिए वहाँ उनके स्कूल। और उनको तो ये सपने से भी, उन्होंने सपने में नहीं सोचा था कि उनका स्कूल डिजिटाइज हो सकता है, उनका वाईफाई हो सकता है। और जो उनकी तरफ से जो रिस्पॉन्स आता है ओवरवेल्मिंग, मैं कल्पना नहीं कर सकता। बिल्कुल, अपने आप में ये एक प्रशंसनीय बात है कि कहाँ से शुरुआत हुई और देखिए आज अपने हौसलों के बल पर आप कहाँ तक पहुँच गए, जो मुकाम हासिल कर लिया उसके लिए सर पहले तो आप बधाई के पात्र हैं। और क्योंकि अब समय हो चला है, हम समाप्ति की ओर अग्रसर हैं, तो आपकी ओर से एक अंतिम संदेश, बहुत से स्कूल प्रमुख हमारे साथ यहाँ पर हमारे सत्र में जुड़े रहते हैं, तो हम चाहेंगे आपकी ओर से एक संदेश, एक पैगाम उन सभी के लिए। सभी के लिए मेरा एक बिल्कुल सामान्य सा संदेश है कि वही दोबारा रिपीट करूंगा, किसी भी स्कूल की क्वालिटेटिव जो परफॉर्मेंस है वो वहाँ के रिसोर्सेज पे डिपेंड नहीं होती, हमारी ही साधना पे डिपेंड होती है। प्रिंसिपल की साधना, प्रिंसिपल की जो क्वालिटीज है वो अपनी टीम को साथ लेके चलेगा तो मिनिमम रिसोर्सेज का ऑप्टिमाइज यूज कर पाएगा और क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट करता जाएगा। साधना साधन पे नहीं, साधन पे अपनी साधना पे डिपेंड करो, अपनी साधना पे विकास करो, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल, यानी आत्मविश्वास होना चाहिए। और जैसा कि आपने परिचय में भी बताया कि चुनौतियां तो हर एक के जीवन में आती हैं, लेकिन चुनौतियों का सामना वही करके आगे बढ़ पाता है जो इन संघर्षों के सामने घबराता नहीं और डरता नहीं है, और उसका लाइव एग्जांपल भी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी आपके समय के लिए, इस विशेष जानकारी के लिए जो आपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम तक पहुँचाई, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही पूजा मैम आपका भी शुक्रिया करना चाहेंगे कि इतने बेहतरीन विषय आप हमारे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारे सभी दर्शकों के लिए लेकर आती हैं, धन्यवाद। थैंक यू। और जितने भी दर्शक आज हमारे साथ इस सत्र में जुड़े हुए थे, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सत्र बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा होगा। द सेशन हैज टर्न आउट टू बी क्वाइट इन्फॉर्मेटिव। सो एज यू नो दैट इट्स ऑलरेडी 6:15 PM, सो वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स द कल्मिनेशन ऑफ द प्रोग्राम। इट इज़ द रैप अप फॉर दिस सेशन वेयर वी वर डिस्कसिंग अबाउट लीडिंग ट्रांसफॉर्मेशन एज अ 1 month PSLM सर्टिफाइड स्कूल लीडर ऑफ NCSL। And viewers, take very good care of yourself. This was the last live program for this particular day. But of course, you can connect with us for diverse programs for varied areas that we keep on discussing. And you can always watch the recorded programs on our YouTube channel, that is NCRT Official. Take very good care of yourself and keep doing good work. Thank you so much. Namaskar. नहीं, थैंक यू।